जितने भी पीडब्ल्यूडी में जितनी भी सड़कें ध्वस्त हुई उनके ऊपर जो जेसीबीज लगी उसमें भी आपको एक बहुत बड़ा घोटाला देखने को मिलेगा। काम कर रहा है ये प्रदेश देख रहा है क्योंकि इनको आदत पड़ी है। कोरोना के इस समय में इनका कोई योगदान नहीं रहा। 3 साल लगातार प्रदेश जो था वो कोरोना से जूझता रहा। ये लोग जो था वो राजनीति करते रहे। सत्ता में आए लोगों को गारंटियां दी गई 1 साल तक। आज 9 महीने का समय बीत रहा है लेकिन इन्होंने तो कस्में खाई थी। मंदिरों में जाकर के कस्में खाई, स्टेज के ऊपर कस्में खाई थी कि 1500 रुपया देंगे, पहले दिन ही देंगे। आज महिलाएं पूछ रही हैं। नौजवानों को कहा था कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, 50 लाख किसानों से वायदा किया था 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपए लीटर दूध देंगे। लेकिन अब उसका ध्यान बटाने के लिए, क्योंकि इनको आदत पड़ गई करना धरना कुछ नहीं, सिर्फ आरोप लगाना है। अब ये आरोप केंद्र पर रहा है। केंद्र का हमारा नेतृत्व तो यहां पर आया, केंद्रीय मंत्री जी यहां पर आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर आए, विपक्ष के नेता इकट्ठे मिलकर के प्रवास किया और केंद्र से मांग की। केंद्र ने धन दिया, जितना धन चाहिए उससे ज्यादा धन प्रदेश को दिया। यहां तक कि 10 कंपनियां वहां से एनडीआरएफ की भेजी और उसी तरह से 3 हेलीकॉप्टर्स यहां पर भेजे। गडकरी जी आए, गडकरी जी ने भी कहा जितना धन चाहिए आप एस्टिमेशन बना करके दीजिए, हम सारी सड़कें हम बना करके देंगे, एनएचएआई जो है वो बना करके देंगे। लेकिन अब पता नहीं कौन से धन की ये बात कर रहे हैं कि कौन सी राजनीति की बात कर रहे हैं। राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं। जितनी भी पीडब्ल्यूडी में जितनी भी सड़कें ध्वस्त हुई उनके ऊपर जो जेसीबीज लगी उसमें भी आपको एक बहुत बड़ा घोटाला देखने को मिलेगा। मैं तो अभी कहना नहीं चाहता हूं। हमने कहा कि हम आपदा में हमारी पार्टी, हमारी केंद्र की सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ